हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक न्यू वीडियो। मैं बनाने जा रही हूँ गैस मटर पनीर की चटपटी मसालेदार रेसिपी सब्जी। तो गैस आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप इस तरीके से गैस आप सब्जी बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कढ़ाई पनीर आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो कहीं जाइएगा नहीं गैस। इस तरीके से पनीर की छोटे छोटे पीसों से कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से जो भी शेप देना चाहें वो आप पनीर की कटिंग कर सकते हैं, चाहे तो आप बड़े पीसेस में या आप छोटे पीसेस में। सो गाइस इस तरीके से पनीर की कटिंग तो हर सभी लोग कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से गाइस लीजिए, मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। तो लीजिए पनीर कट के तैयार हो गया है गाइस। अब लेंगे ग्रेवी के लिए दो प्याज। तो इस तरीके से मिक्सर ग्राइंडर में दो प्याज, चाहे तो लहसुन भी ले सकते हैं आप, ग्राइंड कर लेंगे और उसको अलग हटा देंगे। और अगर आपके पास मिक्सर नहीं है तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। बॉयल किए हुए टमाटर मैंने लिए हैं, चार हरी मिर्च ली है और एक कच्चा टमाटर जो बॉयल नहीं हुआ था इसलिए मैंने कच्चा डाल दिया है। तो इस तरीके से टमाटर का पेस्ट भी तैयार कर लिया है। अगर आपके पास मिक्सर नहीं है गाइस तो आप टमाटर को बॉयल करके उसके छान के उसके पानी टमाटर का निकाल सकते हैं, और बॉयल करने के बाद बहुत ही आसानी से आप टमाटर का जूस निकाल सकते हैं। गैस ऑन करेंगे और इसमें डालेंगे डेढ़ चमचा कड़वा तेल। तो गैस तेल की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम ज़्यादा। अगर ज़्यादा तेल पसंद है तो ढाई चमचे आप डाल सकते हैं। डेढ़ टी स्पून इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब चाहें तो आप इसमें अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट इसमें डालकर इस तरीके से भून लेंगे। तो इसको गैस गुलाबी ही भूनना है। अगर आप मिक्सर नहीं कर रहे हैं तो आप प्याज के छोटे छोटे पीसेस करके भी भून सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट गुलाबी इसको प्याज को अच्छे से भून लेंगे। और इस तरीके से जब भून लेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्याज का जो कच्चापन होता है वो चला जाता है। और इसका प्याज का कच्चापन ख़त्म करने के लिए ही, जितना आप इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे और आपकी सब्ज़ी टेस्टी बनने वाली है। तो गैस इसमें डालेंगे 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और जो मैंने टमाटर का पेस्ट तैयार किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। तो कढ़ाई पनीर का ऐसा आप मटर कढ़ाई पनीर इस तरीके से आप बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बना सकते हैं। बस ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी कम मैंने रखी है। अब जो टमाटर ग्राइंड किया था वो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर जार में, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे मसाले में। तो इस तरीके से इसको चलाते रहेंगे तो आप देख सकते हैं गाइस कितनी मस्त ग्रेवी बनकर तैयार हो रही है। 1 टीस्पून भर के इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, आधा टीस्पून इसमें डाल देंगे गरम मसाला। तो गैस गरम मसाला अभी पहले नहीं डालेंगे, तो धनिया भुन चुका है। अब मैंने गरम मसाला जो मैं हाथ में लेके आपको दिखा रही हूँ, तो ये मैंने जो डाला है वो 1 टीस्पून गरम मसाला। तो गरम मसाले का कलर से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, और मसाला भी अच्छे से भुन गया है। और जो मसाला जैसे जैसे भुनता जाता है तो उसमें ऑयल छोड़ता रहता है, तो इसमें ऑयल जो है ऊपर आ गया है। अब स्पाइसी सब्ज़ी बनाने के लिए मैं इसमें डालूँगी 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अगर इसमें आप कश्मीरी मिर्च भी अगर डाल देते तो कलर ही उससे आता है कश्मीरी मिर्च से। चाहे अवेलेबल है आपके पास तो आप डाल सकते हैं, उसका कलर आप बहुत ही सुंदर आएगा। बस सब्ज़ी का टेस्ट पूरा वैसा ही मिलेगा चाहे आप कश्मीरी मिर्च डालें या ना डालें। तो कश्मीरी मिर्च ज़्यादा गैस नुकसान भी करती है, कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा कम किया करिए। और इस तरीके से मैं जितनी भी रेसिपी बनाती हूँ उसमें कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल कम करती हूँ गैस। तो इस तरीके से मसाले को अच्छे से भून लेंगे और इसको 5 से 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसको इस तरीके से ग्रेवी को भूनेंगे। जितनी अच्छी गाइस आपकी ग्रेवी होगी उतना ही अच्छा आपका मटर पनीर बनने वाला है। तो लीजिए मैंने जो पनीर के पीसेस किए हैं वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको चलाएंगे। चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि गाइस सब्जी की ग्रेवी और पनीर आपस में मिक्स हो गए हैं। और जो मैंने ग्रेवी ग्रीन वैली ली है उसको ऑलरेडी 15 मिनट पहले ही पानी में डालकर इसको धो लिए थे। और ग्रीन वैली गाइस होती है ठंडी, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के 10 मिनट पहले ही रख देना है। अब रसा जो है इसमें आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम ज़्यादा। तो गाइस कम से कम इसमें मैं डालूँगी 3 गिलास पानी। तो मिक्सर का जार जो है वो पूरा भर के डाल देंगे और 1 गिलास अलग से डाल देंगे। तो गैस आप देख सकते हैं कि समथिंग मैंने इसमें 3 गिलास पानी ऐड किया है। अब ये मटर पनीर की सब्ज़ी गैस स्पाइसी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है, कहीं जाइएगा नहीं।
आप गाइस कौन मेरी वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, अगर आपको कढ़ाई मटर पनीर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। सो गाइस इस तरीके से गाइस आप बना सकते हैं चटपटा मसालेदार कढ़ाई पनीर, और आपके अगर गेस्ट आए हुए हों उनको खिलाइएगा। आप सभी को गाइस रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी के लिए रक्षाबंधन मंगलमय हो। और अब इसमें डाल देंगे गाइस स्वाद अनुसार नमक, नमक की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसे इतने में मैंने डाला है 2 टीस्पून स्वाद अनुसार नमक। अब इसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने लिया है पनीर मसाला, तो वो इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। अब गाइस इसमें खोल लगानी है, तो गाइस मैंने पूरा पैकेट डाल दिया है मटर पनीर मसाला, तो इससे ग्रेवी बहुत ही बढ़िया गाढ़ी बन जाएगी, आपकी रसा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और इसको चाहे तो पूड़ी से खाइए, पराठा से खाइए, रोटी से खाइए, चावल से खाइए, पुलाव से खाइए, जो अवेलेबल हो आपके पास उससे खाइएगा। इसमें डाल देंगे गार्निश के लिए धनिया। तो लीजिए सब्जी बनकर तैयार हो गई है गाइस, मटर पनीर कढ़ाई का मैं सर्व कर लेती हूँ। तो इस तरीके से गाइस आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। और बनकर तैयार हो गई है सब्जी कढ़ाई मटर पनीर। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।